हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द डे टू ऑफ चाट रेसिपी सीरीज़। और आज हम बनाने वाले हैं टिक्की छोले चाट। और फर्स्ट जो रेसिपी थी वो थी पापड़ी चाट रेसिपी, उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो टिक्की छोला चाट बनाने के लिए सबसे पहले छोले को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था वाटर में। दूसरे दिन अच्छे से उसको वॉश करके फिर मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया। आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो बेकिंग सोडा। और इसमें एक से दो सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे। फिर ये दो सीटी बाद अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। एंड ये बॉईल होने के बाद ना आपको इससे बे लीव्स और दालचीनी और हो पाए तो लौंग को भी रिमूव कर देना है। अब ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ लिए अनियन, टमेटो, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़। आप चाहो तो अनियन एंड गार्लिक को अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट विदाउट अनियन एंड गार्लिक, फिर भी इक्वली टेस्टी लगेगी। सो अनियन का हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एंड देन इन द सेम वे हम टमाटर, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली का भी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। अब एक पैन में हम ले लेंगे ऑयल और उसमें ऐड करेंगे जीरा और हींग, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ग्रीन चिलीज़ क्योंकि हमने ऑलरेडी टमेटो पेस्ट में ऐड किया इसलिए यहाँ ऐड नहीं करेंगे अलग से। एंड फिर इसमें ऐड कर देंगे अनियन पेस्ट और अनियन पेस्ट को एक से दो मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। और फिर ऐड कर देंगे टमेटो वाला पेस्ट और ऐड करेंगे सॉल्ट एंड हल्दी। और इसको फिर अच्छे से कुक करना है फॉर 15 to 20 minutes ताकि जो टमाटर और प्याज का कच्चा पना है वो बिल्कुल भी ना आए टेस्ट में। और 15 to 20 minutes के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे क्योंकि ये कुक होते वक्त ना थोड़ा सा उछलता है, इसलिए सेफ़ है कि आप इसको ढक के पकाओ और हर 5 मिनट में आप इसको इस तरह स्टर कर दो। एंड थोड़ी देर बाद इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड जीरा पाउडर। एंड फिर हम इसमें ऐड करेंगे छोले मसाला। आपको मार्केट में ईजिली छोले मसाले मिल जाएंगे बट हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक से दो चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किए छोले मसाले के। और एक चम्मच घी भी ऐड करेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको अच्छे से मिक्स होकर पकने देंगे जब तक ऑयल पूरी तरह से सेपरेट ना हो जाए इससे, तब तक हम इसको कुक करेंगे। एक बार जब ये अच्छे से कुक हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल छोले। मैंने लॉन्ग इस टाइम निकाल दिए थे छोले से। और थोड़े से छोले अलग करके ना आप उसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा, उससे ना थोड़ा थिक ग्रेवी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें छोले का जो पानी था वही ऐड करना है, उसको फेंकना नहीं है। और फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला एंड फिर एंड में इसमें आपको ऐड करना है लेमन जूस एंड फिर गार्निश करना है कोरिएंडर लीव्स से। एंड और एक चीज़, अगर आपको कंसिस्टेंसी बहुत थिक लग रही है इवन आफ्टर यूजिंग छोले वाला पानी, आप थोड़ा नॉर्मल वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसको अच्छे से कुक करना है ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए छोलों में मसालों का। एंड फिर हम बना लेंगे टिक्की। टिक्की के लिए मैंने लिए हैं बॉयल पोटैटो और उनको कद्दूकस किया है, उससे बहुत अच्छा एक टेक्सचर आता है टिक्की में। आप भी ट्राई करिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो। और आप चाहो तो नॉर्मली मैश करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बींग आलू पराठा और एनीथिंग, मैं ऐसे ही मसाला बनाती हूँ आलू का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न फ्लावर, कोरिएंडर लीव्स, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़। गार्लिक मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो गार्लिक ऐड कर सकते हो बट विदाउट गार्लिक ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। एंड फिर इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे एंड ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर एज़ पर द स्पाइस टॉलरेंस और आमचूर, दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट्स। इसको ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा है कि खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेना है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी गोल गोल सी पतली पतली सी टिक्की बना लेनी है। सेम वे में मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली, मैंने यहाँ पे अभी 4 से 5 टिक्की बनाई है। फिर हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे ऑयल, आप चाहो तो घी या बटर में भी टिक्की को से शैलो फ्राई कर सकते हो। और टिक्की को शैलो फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा ब्राउनिश कलर ना ले ले, एंड मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम में करना है आपको, नहीं तो अंदर से कुक नहीं होगी और बाहर से क्रिस्पी तो हो जाएगी बट अंदर से एकदम कच्ची लगेगी। सो इसको जब तक दोनों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको। एंड टिक्की अब रेडी है। अब ना ग्रीन चटनी, जो इमली की चटनी आपको दिख रही है, वो मैंने पापड़ी चाट वाली जो वीडियो है ना उसमें उसकी पूरी रेसिपी डाली हुई है, तो आप उस वीडियो से चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ मैंने लिया है दही, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके उसको अच्छे से मिला लिया है। दही आप इस चाट में अवॉइड कर सकते हो, टोटली अप टू यू। एंड मसाला भी मैंने घर पर ही बनाया था पापड़ी चाट वाले वीडियो में, आपको दिख जाएगी उसकी रेसिपी भी।
चलिए अब सर्व करते हैं चाट। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये एक डीप प्लेट, उसमें मैंने ले ली है 3 टिक्की। और टिक्की को थोड़ा सा स्पून से ना आप ऐसे क्रश कर दीजिएगा, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। एंड फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपने छोले, ऊपर से मैंने डाला है थोड़ी सी इमली की चटनी एंड ग्रीन चटनी, एंड फिर मैंने ऐड किया है दही। दही इसमें टोटली अवॉइडेबल है, बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। एंड फिर मैंने ऊपर से थोड़ी सी और इमली की चटनी, धनिया की चटनी एंड थोड़ा सा वो मसाला, टमाटर, प्याज, कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी सी मिंट लीव्स ऐड की है। एंड एंड में मैंने सेव भुजिया ऐड कर दी और हमारे टिक्की छोले चाट रेडी है। बहुत टेस्टी लगती है और अभी ठंड में तो मज़ा आ जाएगा इसको खा के, एकदम गरम गरम सी चाट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।